करना है या ऑन करना है? ऑफ कर दो ये फैन सब, फैन ऑफ कर दीजिए ना सारा, बच्चे बोल रहे फैन ऑफ कर दीजिए सारा। हाँ माइक याद कर लीजिए, याद कर लिए हैं ऑर्डर माइनस आई का प्लस आई का। सुनो माइनस आई का माइनस आई कहाँ से बोल रही हो? नोटबुक देखो तुम्हारा माइनस आई में कहाँ से स्टार्ट है, क्या बोल रही हो? माइनस आई का ऑर्डर हाँ ठीक है NH3+ NO2CO क्या बोल रही हो? अभी तुरंत पढ़ के याद करने की कोशिश की हो क्या? बताओ जी। हाँ NF3 पे प्लस माइनस कुछ है क्या? बैठा बताओ जी बताओ कल सैटरडे को बट पीछे सर NF3+ NH3+ NB क्या बोल रही हो? क्या किया कल घर में? संडे पूरा, सैटरडे फिर छोड़ो, कल पेपर भी था, कल जाने के बाद तो कर सकती थी ना। और बहुत ज़्यादा बड़ा है क्या? क्या बोले थे? उसके बिना पॉसिबल फिर नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगा। चलो जी बताओ लास्ट। हाँ चलो जी बताओ पीछे बताओ
प्लस एन आर टी प्लस एन एस टी प्लस एन ओ टी सनलाइन अल्काइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड है ना, बट याद करो, अच्छे से याद करो जी, समझ में आया? बताओ जी तुम पीछे, हाँ बताओ। और के बाद से ट्रिपल बॉन्ड एन तो हो गया, से ट्रिपल बॉन्ड एच, हाइड्रोजन का तीन बॉन्ड, बट याद करके आओ। फिर से कह रहे हैं हम, याद करने के लिए बहुत कम हम चीज कहेंगे, ठीक है, लेकिन वो यदि याद नहीं करोगे तो फिर चैप्टर में केवल देखोगे कि हम क्या कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, समझ में आया? क्लियर है ना क्या बोल रहे हैं हम? ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ये बताना, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ठीक है, ए ये हो जाएगा तुम्हारा NH2, OCH3। चलो सोचो इसका माइनस आई, इस जो पूरे ग्रुप का है माइनस आई किसका ज्यादा होगा, बताओ। माइनस आई का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन, बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रहे, ठीक है, बात समझ में आया? पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का भूखा रहेगा, बात समझ में आया? जो इलेक्ट्रॉन का जितना भूखा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा। अब बताओ उस हिसाब से कि किस पे कौन सा जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, यानी माइनस आई कौन सबसे ज्यादा शो करेगा, है? ये पूरे ग्रुप का बताना है, COCl, ये CONH2 और ये तुम्हारा COCH3, क्या होगा ऑर्डर, ऑर्डर बताना, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, बोलो जी ऑर्डर क्या होगा, बोलो, है ए सी बी, सी बी ए, ए सी बी, कैसे देखो क्या हम क्वेश्चन तुमको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, ठीक है, क्या है ना कि ये देखो डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो क्या रेजोनेंस में है क्या,
बोलो रेजोनेंस में है। अब रेजोनेंस में है तो क्या तुम रेजोनेंस में क्या सीखे कि ये वाला ऊपर की ओर जाएगा, जाएगा ना, हाँ, और ये जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहाँ आएगा, यही होगा ना, समझ में आ रहा, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ये वाला लोन पेयर फिर कहाँ आएगा, यहाँ बैक बॉन्डिंग करेगा एक तरह से, ठीक है, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और ये वाला कहाँ आएगा, नीचे यहाँ पे कार्बन पे, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कहने का मतलब है कि जैसे ही वो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इस पे क्या आएगा, तुम्हारा डेल्टा पॉजिटिव, माने हम क्या माने, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, इस पे भी क्या होगा, तुम्हारा पॉजिटिव, या पॉजिटिव ही मान लेते हैं फिलहाल कि पॉजिटिव बनेगा, इस पे भी पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, और इस पे भी पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव बनने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और हमको तो वही चाहिए ना, माइनस आई का मतलब क्या, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करे, विड्रॉ करे, माइनस आई वो ग्रुप होगा ना, अब आगे से तो विड्रॉ कौन करेगा, कार्बन ही करेगा, आगे से विड्रॉ कौन करेगा, कार्बन करेगा, तो कार्बन जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बात समझ में आएगा, यानी दूसरे से लेगा, क्लियर है। अब समझना क्या क्वेश्चन का मतलब हो गया, मतलब कि ये जब ऊपर जाएगा तो कार्बन पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और बाकी सब अपना अपना लोन पेयर लेकर के खड़े हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट भी होगा, सब में कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन अब बात यह है कि किसका कोऑर्डिनेशन, यानी कौन जो है वो ज्यादा अच्छे से या पहले कोऑर्डिनेट करेगा और कौन लेट से करेगा, जो पहले करेगा उसका पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा उस कार्बन पे, और उसका माइनस आई सबसे कम हो जाएगा, लेकिन जो लेट से करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा देर तक रहेगा, समझ में आया, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी को शो करेगा, यानी उसका माइनस आई ज्यादा होगा, समझ में आया। तो अब बताओ कि कौन जो है वो जल्दी डोनेट करेगा और कौन जो है वो लेट से, समझ में आया, अब तुमको ये पता करना है, जो लेट से डोनेट करेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा देर तक रहेगा, और ज्यादा देर तक रहेगा तो वो विड्रॉ ज्यादा करेगा, यानी उसका माइनस आई ज्यादा, लेकिन जो कम देर तक रहेगा, यानी जो जिसका जिसको डोनेशन पहले हो जाएगा, ठीक है, उसका प्लस चार्ज कम देर तक रहेगा, और उसका माइनस आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इज दैट क्लियर, बोलो, अब बोलो, कहानी सुनाते हैं, नाली की कहानी, देखो ये कहानी खेत टाइप जगह वाला ही है, यहाँ बहुत बारिश होता है ना, बारिश होता है ना, बारिश होता है तो जो नाली रहता वो भी ओवरफ्लो होता है, हैं, समझ में आ रहा, नाला की बहन नाली, समझ में आया, अंडरस्टूड। एक जिज्ञासु बालक था, कैसा बालक था, जिज्ञासु बालक, समझ आ रहा, पसंद आया, मस्त है, बेचारा बाहर निकला घर से, घर से निकला कुछ सामान लाने जा रहा होगा, ठीक है, और रास्ते में क्या मिला इसको, नाली, छोटा, समझ आया, रास्ते में क्या मिला इसको, नाली, अब किसी को भी छोटा सा मिलता क्या करता, आराम से पार हो जाता, ये भी पार हो गया, समझ में आया, ये भी क्या हो गया, पार हो गया, पार हो गया, उसी तरह प्रसन्न मुद्रा में आगे बढ़ता गया, समझ में आया, फिर आगे गया, ठीक है, फिर एक नाली मिला प्रसन्न मुद्रा में उसी तरह, और इस बार जो है नाली थोड़ा सा बड़ा था, समझ में आया, नाली क्या था, थोड़ा बड़ा था, कॉन्फिडेंस में पहले था, एक नाली पहले पार करके आया है ना, सोचा इसको भी पार कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा दूर वाला था, पार किया, अब पार करते वक्त ही क्या हो गया, एक पैर नाली में ही अटक गया, बात था यूपी और बिहार का, जगह जगह पे हैंडपंप लगा हुआ रहता है, हैंडपंप जानते हो ना, देखा इधर उधर कोई है तो नहीं, झटाक से पैर निकाला, झाड़ा धोया और चल दिया, फिर आगे गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया था, लेकिन फिर कोई बात नहीं,
फिर आगे बढ़ा। समझ आया? इस बार मिला इसका भाई, दैट इज नाला, लेकिन एक बेचारा कंफ्यूज था, ये सोचा कि नाली ही है, ठीक है, सोचा हो जाएगा। उस बार ओवर कॉन्फिडेंस के कारण क्या किया था, जस्ट यहीं से जंप लगा दिया था। इस बार क्या किया कि थोड़ा दूर से आया दौड़ करके, ठीक है, थोड़ा दूर से आया दौड़ करके लगाया जंप, लेकिन हाल क्या हुआ, समझ में आया, गया उसी में कूद। वो वाला एक मूवी देखे थे, छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिस, नहीं देखे हो? अरे वो चिकन बिरयानी वाला के जगह मुर्गा, वो कौवा बिरयानी, नहीं देखे हो तो फिर छोड़ो, उसी टाइप फिर इसका हाल हो गया। समझ में आया? तो इस कहानी से मतलब ये है कि नाले का साइज, नाली का साइज जितना छोटा रहेगा आराम से पार कर गया, और नाली का साइज जितना बड़ा रहेगा पार कर पाएगा क्या? ना, नहीं। तो जैसे कि यहां पर तुम्हारा, मान लेते हैं कि ये F है और इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है ना, ठीक है, और ये है तुम्हारा CH2 पॉजिटिव, ये तुम्हारा Cl, ठीक है, ये तुम्हारा CH2 पॉजिटिव, ये तुम्हारा Br, ये तुम्हारा CH2 पॉजिटिव, ये तुम्हारा, उसके बाद क्या आ गया, I, और ये तुम्हारा CH2 पॉजिटिव। तो ये वाला जो तुम्हारा दोनों का जो दूरी है, यही है तुम्हारा नाली। समझ में आया? और जो इसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है जो, यही है जिज्ञासु बालक, ठीक है। खोपड़ी में धसा है? अब नाली का साइज जिसका छोटा रहेगा आराम से पार होगा, कोऑर्डिनेट होगा ना, सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब पॉजिटिव के बगल में यदि लोन पेयर है तो बिना सोचे समझे तुरंत कोऑर्डिनेट करता है। क्यों? कोऑर्डिनेट करने से क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबिलिटी आती है, इसीलिए। समझ में आया? तो बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ये इसको देखेंगे थोड़ी, क्या करेंगे, तुरंत कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा सा, कोऑर्डिनेट कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, इसका देखो, बता इसका इलेक्ट्रॉन किस वाले ऑर्बिटल में रहता है, 2p सेकंड पीरियड का है ना, किस में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का करोगे क्या आएगा, 2p5 आता है, तो इलेक्ट्रॉन किस में है, 2p में, लेकिन कार्बन का भी करोगे तो क्या आएगा, 2p, तो कार्बन का सबका क्या रहेगा, 2p, 2p तो समझ में रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आता है। अब इसका क्लोरीन का क्या होगा, 3p, इसका क्या होगा, 4p, इसका क्या होगा, 5p, बताओ पहले कौन करेगा और लास्ट में कौन करेगा, नाली का साइज किसका बड़ा हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पहले कौन करेगा, सबसे पहला वाला, स्टेबल कौन बनेगा, पहला वाला, समझ में आया। तो स्टेबिलिटी जो होगा, स्टेबिलिटी वो किसकी ज्यादा होगी, a > b > c > d, ठीक है, क्योंकि इसका नाली का साइज जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ नाली, समझ में आया। वहां जब जाओगे ना टिक करने, तो ये नहीं बोलेगा कि तुम क्या है एकदम एग्जैक्ट, उसका बुकिश लैंग्वेज बताओ, इससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए क्या बोल रहा है, समझ में आया। तो अब बताओ कि ये तुम्हारा क्या है, नाली का साइज, समझ में आया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वही जिज्ञासु बालक। तो इसका इलेक्ट्रॉन बताओ किसमें है, 2p में, और इसका किसमें है, 3p, इसका किसमें है, 2p, इसका किसमें है, 3p, नाइट्रोजन, सॉरी 2p ही ना, इसका भी 2p, इसका किसमें है, 2p में, और इसका किसमें है, 2p, ऑक्सीजन भी सेकंड वाले में ही आता है, सेकंड पीरियड में। बताओ सबसे लेट से कौन करेगा, क्लोरीन, यानी सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा, ए का, समझ में आया, क्योंकि लेट से जाएगा, लेट से जाएगा तो सबसे ज्यादा होगा, तो इस हिसाब से ए जो है सबसे उसका ज्यादा होगा। बी और सी में अब तो साइज भी तुम्हारा, ये दूरी भी क्या हो गया, सेम,
अब दोनों बताओ, ये ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन है, सेम पीरियड का एलिमेंट है। अब सेम पीरियड के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कि रखना चाहेगा, रखना चाहेगा। समझ में आया? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन। तो वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा क्या? नहीं। अब नहीं देगा, हमको तो यही चाहिए ना, जो आसानी से नहीं दे, उसका माइनस है ज्यादा। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर क्या हो जाएगा आंसर, ए के बाद सी और सी के बाद बी, ए सी बी। बोलो समझ में आया? अब इसको समझना और ये वाला भी चीज रखना, मेंशन करना, और नहीं तो अपना ज्यादा दिमाग लगाओ तो दो साल के बाद कुछ समझ में ना आएगा। सॉरी, अब तो एक साल बचा है। ठीक है, तो एकदम ये भी चीज एकदम होना चाहिए, एकदम डिट्टो, एकदम सब जल्दी छापो। हो गया बेटा, अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन समझना जरा सा। ठीक है, क्या हम बताना जा रहे हैं? अब ऐसा समझो कि ये मान लेते हैं HA कोई एसिड है, HA क्या है, कोई एसिड है, ठीक है, और टूट करके ये डबल हेडेड एरो का मतलब क्या है कि ये दोनों साइड हो सकता है, रिवर्सेबल है। ठीक है, ये आगे भी हम जा सकते हैं और आगे से हम लोग पीछे भी आ सकते हैं, ठीक, यानी कि फॉरवर्ड भी होगा और साथ ही साथ क्या हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। ठीक, तो HA जो है टूट करके क्या बनेगा, H प्लस और A माइनस। ठीक है, क्या बना, H प्लस और क्या बना, A माइनस। अंडरस्टूड? अब समझना जरा सा हम क्या बोल रहे हैं, यदि ये अनस्टेबल रहा होगा, एसिड है, ठीक है, ये क्या है, एसिड है, क्लियर है, ये क्या है तुम्हारा, एसिड है, और यदि ये अनस्टेबल रहा होगा तभी तो यहां टूट के क्या बना है, स्टेबल। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम, ये जितना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबिलिटी का इस कंपाउंड का, उस एसिड का अनस्टेबल कहने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ज्यादा अनस्टेबल रहेगा तभी तो रिएक्ट करेगा, अनस्टेबल नहीं रहेगा तो रिएक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, स्टेबल में कौन रिएक्शन करता, कोई नहीं। तो जितना ज्यादा अनस्टेबिलिटी उसकी होगी, ये वाला टूट के उतना ही क्या बनेगा, स्टेबल। समझ में आया, एक चीज क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, सारा एसिड H प्लस देता है ना, तो हम लोग किससे फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, A माइनस से, यानी कि जितना वो एसिड अनस्टेबल होगा
उतना ही उसका एनायन जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। जितना उसका एसिड अनस्टेबल, यानी जितना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, उतना ही उस एनायन का स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मोर स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन, मोर विल बी द एसिडिक कंपाउंड। समझ में आया क्या हम बोले? ठीक है, अब देखो इनके बीच में क्या होता है ना, यदि ये बैकवर्ड भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, दोनों तरफ जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया है क्या कि बैकवर्ड रिएक्शन, कोई भी चीज जब बैकवर्ड जा सकता है फॉरवर्ड जा सकता है, तो उनके बीच में एक स्टेज आता है, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। नहीं आइडिया है, समझो ऐसा मान लेते हैं कि हम पानी का एक, ठीक है, एक हम बकेट लिए हुए हैं, ठीक है, कंटेनर, वो क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, उसको हम एक खास मतलब कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम उस पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जब गर्म कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या बनेगा, भाप बनेगा, वेपोराइज होगा, ठीक है, यानी स्टार्टिंग में किसका रेट ज्यादा होगा, वेपोराइजेशन का, समझ में, या इवेपोरेशन का, ऐसा समझो, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से टकराएगा और टकराने के बाद रिटर्न आकर के वाटर में चेंज होगा। तो स्टार्टिंग में रेट किसका ज्यादा हुआ, इवेपोरेशन का। उसके बाद धीरे धीरे कौन बढ़ना चालू करेगा, कंडेंसेशन का। एक समय ऐसा भी आएगा क्या जब इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा किसके, उसी फेज को कहते हैं, उसी स्टेज को कहते हैं इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो कोई भी चीज यदि फॉरवर्ड जा रहा है और यदि वो लौट के बैकवर्ड भी आ सकता है, तो कोई ना कोई एक ऐसा फेज आएगा जहां पे वो क्या एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम। समझ में आया? उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? ठीक। अब इसका और इस तरीके यदि एसिड है तुम्हारा, हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्विलिब्रियम को, के इक्विलिब्रियम, ठीक है, के इक्विलिब्रियम मतलब एक कांस्टेंट टर्म भी लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, के इक्विलिब्रियम, ठीक है, बात समझ में आया। और के इक्विलिब्रियम बराबर यदि हम एसिड का ले रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के ए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, बात समझ में आया। और ये लिखने का तरीका होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि हम क्या बोले कि के इक्विलिब्रियम, ठीक है, या फिर के ए इज इक्वल टू क्या बोले हम, प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, समझ में आया। अब क्या तुम्हारा निकल रहा है, के बराबर क्या निकल रहा है, प्रोडक्ट में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, ठीक है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस अपॉन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए, अंडरस्टूड। तो क्या ये के डायरेक्टली टू एच प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है ना, यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि के इज डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, ठीक है, यानी कि ये समझ में यहां पे आ रहा है कि जितना ज्यादा एच प्लस निकलता है उतना ही ज्यादा वो क्या होता है, एसिडिक होता है, ये तो पता है, समझ में आ रहा है ना, ये चीज क्लियर है ना। तो बात ध्यान में रखना कि यानी एच प्लस इस किस चीज को बताता है, एसिडिक कैरेक्टर को। जितना ज्यादा एच प्लस होगा, बचपन में पढ़े हो ना, जितना ज्यादा एच प्लस होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि एसिडिक, और ये क्या है, एसिडिक कैरेक्टर ही, तो एसिडिक कैरेक्टर इज या एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली टू के ए, बोल सकते हैं ना, यानी और हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर के ए इज डायरेक्टली टू एसिडिक स्ट्रेंथ, बोलो समझ में आया। और के ए का वैल्यू तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, जो सीट वगैरह बुक्स वगैरह भी जो देंगे उसमें के ए का क्या, चार वैल्यू दिया हुआ है, के ए का वैल्यू है 2 × 10⁻²⁰, 2 × 10⁻³, तो तुमको क्या देखना है कि जिसका जो ज्यादा एसिडिक रहेगा उसका के का भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, जो कम एसिडिक रहेगा उसका के का भी वैल्यू क्या होगा, कम रहेगा। और क्या कर सकता है, तुमको चार एसिड दे सकता है और उसमें बोलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के ए, वैल्यू ऑफ के ए, तो वैल्यू ऑफ के ए कुछ भी रहे, जो ज्यादा एसिडिक है उसका के ज्यादा होगा, जो कम एसिडिक है उसका के क्या होगा, बोलो बात समझ में आया। तो वैल्यू से हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, अब कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है वो हम निकालना सिखाएंगे, समझ में आया एक चीज। और क्या समझ में आया तुमको कि जितना ज्यादा ए माइनस स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, पहली चीज तो ये हो गया, ठीक। और दूसरी चीज बताओ, ये तुम पढ़े हो क्या कि पी के ए, जैसे पीएच रहता था तो पीएच को तुम क्या लिखते थे, माइनस लॉग लिखते थे क्या, बोलो क्या लिखते थे, माइनस लॉग एच प्लस लिखते थे क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, पीएच इज इक्वल टू होता माइनस लॉग एच प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, तो एच के जगह हम कर दिए पी के ए, क्योंकि पी के ए तुम्हारा क्या था, समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम,
तो ये पी के ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग के ए, ठीक है, और माइनस लॉग के ए को हम लिख सकते हैं वन बाय के। समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं? बोलो क्लियर है? यानी कि पी के ए इज इक्वल टू वन बाय के ए, माइनस लॉग के ए को लिख सकते हैं हम वन बाय के, और के ए क्या है तुम्हारा, के डायरेक्टली टू क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि जितना ज्यादा पी के ए का, अच्छा पी के ए का भी तुम्हारा वैल्यू ही होता है, ठीक है, तो जितना ज्यादा पी के ए का होगा वैल्यू उतना ही कम तुम्हारा के, और जितना कम के उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इज इनवर्सली टू पी के ए। बोलो समझ में आया क्या बोल रहे हैं? फाइनली तुमको ये दो चीज याद रखना है, के का डायरेक्टली होता है एसिडिक स्ट्रेंथ और पी के ए का इनवर्सली होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आया? लेकिन हम इतना इसीलिए बताएं ताकि तुमको ये भी समझ में आए कि कहां से आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, और बात ध्यान में रखना कि फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ नोट कर लो, ठीक है, फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए, टू फाइंड एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, फाइंड एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो, एसिडिक कैरेक्टर बोलो, समझ में आया, सारा एक ही है, टू फाइंड एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ, रिमूव हम लोग क्या करेंगे उससे H प्लस आयन, कोई भी एसिड दिया हुआ है तो उससे क्या करेंगे, H प्लस आयन को निकालेंगे और चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबल एनायन रहेगा उतना ही एसिडिक क्या होगा उसका कंपाउंड। अरे वही बात है ना, H प्लस को हटाओ और H प्लस हटाने के बाद एनायन बनाओ, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करो, जितना ज्यादा स्टेबल एनायन रहेगा उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड उसका क्या रहेगा, एसिडिक, इज दैट क्लियर? तो ये तुम्हारा टू फाइंड एसिडिक स्ट्रेंथ, रिमूव H प्लस आयन, ठीक है, एंड चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, मोर स्टेबल एनायन, ठीक है, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड। बात समझ में आया? क्लियर है क्या बोल रहे हम? यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, डायरेक्टली रहेगा किसका, ए माइनस का, ठीक है, उसी का ए माइनस, जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही ज्यादा वो क्या रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन डायरेक्टली टू, ऐसा लिखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। देख लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग माइनस आई प्लस आई सीखे हैं, अब माइनस आई वाला क्या करता है, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, तो बताओ माइनस चार्ज को एन आयन को स्टेबल कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अरे माइनस चार्ज है उसमें तो बर्डन है ना जी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसको कौन सा स्टेबल, कौन स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, माइनस आई, सिंपल सा याद रखो, माइनस चार्ज को माइनस आई ही स्टेबल करेगा, अब प्लस चार्ज को प्लस आई वाला स्टेबल करेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय, लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये भी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, स्टेबिलाइज बाय प्लस आई, ठीक है, एंड निगेटिव चार्ज स्टेबिलाइज, ठीक है, बाय माइनस आई। देख लो जी, अब तो क्लियर हो गया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इधर मिटा दें, चलो एसिडिक स्ट्रेंथ तुमको निकालना है जी, ए में तुम्हारा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बी में तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सी में तुम्हारा CH और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH। चलो बताओ जल्दी क्या करेंगे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए, रिमूव H प्लस आयन ना, बोलो, तो H प्लस आयन हटाने के बाद, H प्लस आयन हटाने के बाद क्या बनेगा, CH3 CH2 नेगेटिव होगा क्या,
ठीक है, इसका यदि हम माइनस एच प्लस करें तो क्या होगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और निगेटिव, ठीक है, और इसका माइनस एच प्लस यदि करेंगे तो क्या बनेगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी और क्या बनेगा, निगेटिव। अब क्या करना है, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो एनायन का बताओ कैसे स्टेबिलिटी चेक होगा, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे कोई माइनस आई वाला भी नहीं है, कैसे चेक करोगे, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यदि कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन से जाओ, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा, sp3, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, तीन, दो यहां पे और एक यहां पे, तीन और एक लोन पेयर, निगेटिव का मतलब मानिए लोन पेयर, पहले ही बताए हैं, तो टोटल क्या हो गया, चार, चार का मतलब sp3, समझ में आया, अ सिंगल बॉन्ड कार्बन है और निगेटिव चार्ज है तो sp3 ही होगा, ये भी बात ध्यान में रखो, ये भी बताए हैं कि कार्बन में यदि जीरो पाई बॉन्ड है तो sp3, कार्बन में यदि एक पाई बॉन्ड है तो sp2, और कार्बन में यदि दो पाई बॉन्ड है तो sp, ये भी बताए हैं, तो कम से कम वो सब अब अप्लाई करना सीखो, इसमें क्या होगा बताओ sp2, और इसमें क्या होगा sp, मोर s कैरेक्टर किसमें है, इसमें कितना s कैरेक्टर है, 1/3 यानी कि 33.3% s कैरेक्टर है ना, इसमें कितना है जी बोलो, सॉरी इसमें तो 25% होगा ना, 25% s कैरेक्टर, इसमें कितना होगा, 33.33%, ओ ओ माय गॉड, ठीक, लाइट चला गया मतलब उधर आवाज नहीं जा रहा, यही है ना, इसमें भी पता नहीं जा रहा है कि नहीं, इसमें तो आ गया ना, ठीक जा रहा उधर ना आवाज, हाँ ठीक, क्या बोले हम, इसपे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तुम्हारा, sp3, और sp3 का मतलब s कैरेक्टर कितना, 25%, इसमें कितना होगा, 33.33%, इज दैट क्लियर, और इसमें कितना होगा तुम्हारा sp में बोलो, 50% जो होगा वो क्या होगा, s कैरेक्टर। अब केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़े हो, मोर s कैरेक्टर, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, अरे बोल भाई समझ में आया क्या बोले हम, तो क्या पढ़े हो यहाँ पे, मोर एस कैरेक्टर, मोर एस कैरेक्टर, ठीक है, मोर विल बी द, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होगा, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़े हो, निगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑन मोर इलेक्ट्रो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी, ठीक है, हाईली स्टेबल। तो बताओ जी स्टेबिलिटी किसको मिला, मोर स्टेबल कौन हुआ, कौन हुआ, सी इज मोर स्टेबल, इसका एनायन मोर स्टेबल, ठीक है, तो स्टेबिलिटी यदि हम बात करें एनायन की, ये बंद हो गया, ये तो यहाँ चल रहा है, जल्दी बुलाओ टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उसको, बार बार रिटेक करना पड़ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, वो लिंक टूट जाता है ना फिर, आ रहा है सब कुछ, आ रहा है ना, क्लियर दिखाई भी दे रहा है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि ये कितना हो गया sp3, sp3 में s का कैरेक्टर 25%, इसमें sp2 इसका कैरेक्टर 33.33% और इसका 50%, और हम लोग ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, और अभी हम कल के ही क्लास में बताए हैं कि निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी हाईली स्टेबल, तो अब देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ ज्यादा होगा, जहां s कैरेक्टर ज्यादा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज विल बी हाईली स्टेबल, और ये स्टेबल है तो इसका कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल, मतलब एसिडिक कैरेक्टर इसका क्या होगा, ज्यादा, समझे, यानी कि यदि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देखें, एनायन में ज्यादा स्टेबल कौन है तुम्हारा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन देखें तो कौन हो जाएगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, सी एच टू डबल बॉन्ड तुम्हारा सी एच निगेटिव, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा, सी एच थ्री, ठीक है, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू निगेटिव, समझ में आया, और एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक
स्ट्रेंथ यदि हम कहें तो कौन ज्यादा होगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच ग्रेटर देन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू और उसके बाद सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आया? ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम एक और क्वेश्चन देते हैं, अरे यार ठीक है। अब उसी में क्वेश्चन देखो एक और देते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास ए है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, बी है तुम्हारा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, सी है तुम्हारा सी एच ट्रिपल बॉन्ड क्या सी एच, और डी में तुम्हारा है इस बार पी एच एच। पी एच का मतलब क्या है, फेनाइल, और उसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा है मतलब क्या हो गया बेंजीन। पी एच का मतलब क्या है तुम्हारा, ये ठीक है यही है ना, और यहां पे एक खुला है दैट इज कॉल्ड पीएच।
ठीक। अब जब यहाँ पे H तुम जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन ही तो बन जाएगा, क्योंकि सब जगह हाइड्रोजन है पहले से। PHH का मतलब बेंजीन, समझ में आया। और PH खाली है तो केवल इतना दूर, यानी इधर खाली है वैलेंसी। चलो बनाओ, बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। इसका तो अभी देखे, यहाँ पे इसका भी देखे, इसका भी देखे, हम लोग किसको देखना है, डी को। तो डी से जब एच प्लस निकालोगे, माइनस एच प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ये पी एच माइनस, यानी बेसिकली ये क्या बनेगा तुम्हारा, इस तरीके से बनेगा। देखो जी, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टू, क्या निकलेगा, sp2। sp2 ही आएगा ना, दो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का तो कोई जरूरत नहीं, और एक नेगेटिव चार्ज, तो क्या निकलेगा ये, sp2। अब ये भी sp2, इसका भी वाला भी sp2 आ रहा है, और इसका भी क्या आ रहा है, sp2। तो पहले कौन बाद में कौन, किसका नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, सोचो। तो रिंग स्ट्रक्चर से क्या हो गया, वो अलग चीज हो गया, इसका नेगेटिव को स्टेबल करना है। क्या ऑर्डर दिए थे, CH2 डबल बॉन्ड, वो पहले है। तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस नेगेटिव के बगल में जो कार्बन है वहां पे तुम्हारा है डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या शो करता है, माइनस आई, समझ में आया। और माइनस आई क्या करेगा, उस नेगेटिव को स्टेबिलाइज। लेकिन इस वाले नेगेटिव को, यानी इससे जो नेगेटिव बन रहा है यहाँ पे देखो सेम, इसको स्टेबिलाइज कोई नहीं करेगा। अब समझ में आया, तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन, ये। अब ज्यादा स्टेबल ये, यानी कि ये किससे ज्यादा स्टेबल हो गया, ये ज्यादा स्टेबल है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव से, स्टेबिलिटी। समझ में आया, तो यानी कि ये इसका कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो, सी, और सी के बाद डी, और डी के बाद बी, और बी के बाद ए। समझ में आया, सेम है। चलो जी बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ, बोलो क्या करोगे, रिमूव एच प्लस आयन एंड चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। तो इसका जब माइनस एच प्लस करोगे तो क्या बनेगा, CH3 COO माइनस, इसका क्या बनेगा, CH2 या ClRCOO माइनस, एच यहीं से निकलेगा ना, ये तो कंफर्म है ना, एसिडिक वही है ना। अब ऐसा मत बोलना सर यहां से निकालो, हम यहीं से निकालेंगे, तो फिर जाओ, ठीक है, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Br, ये COO माइनस, इसका क्या हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा I या COO माइनस, ठीक है। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है और कम स्टेबल कौन है, कोई स्टेबल करने वाला है क्या, माइनस आई कोई शो कर रहा है क्या, ये देखो ये क्या शो कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, ये भी तुम्हारा माइनस आई, ये भी तुम्हारा माइनस आई, लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं है, CH3 है बल्कि प्लस आई शो करता है, तो सबसे अनस्टेबल कौन होगा, ए होगा। अनस्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा, बी, ठीक है, बिकॉज माइनस आई ऑफ सी एल इज ग्रेटर देन बी आर ग्रेटर देन आई, तो स्टेबल ये होगा, तो एसिडिक कौन होगा, समझ में आया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, बी ग्रेटर देन
सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए। बोलो समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है? अब देखो हम क्या बोले थे, माइनस आई सब याद रखना, इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं हो सकेगा, कुछ भी करो क्या करोगे फिर, तुमको समझ में नहीं आएगा। फिर सेम क्वेश्चन है जी, एसिडिक स्ट्रेंथ ही है, एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक है, ए में है तुम्हारा एच एफ, बी में है तुम्हारा एच सी एल, सी में है तुम्हारा एच बी आर, डी में है तुम्हारा एच आई, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। सोच लो बोलो जी क्या होगा? पक्का? कैसे? H प्लस निकालोगे तो क्या बनेगा? F माइनस। इसका क्या बनेगा? Cl। इसका क्या? Br। इसका क्या? I। चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, विच वन इज द मोस्ट स्टेबल एनायन? अरे भैया डाउन द ग्रुप है, क्या कर रहे हो यार, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, क्या चेक करेंगे? साइज, और साइज किसकी बड़ी है, तो स्टेबल कौन हुआ? D। तो एसिडिक कौन? D। गजब वाले, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ, ये करवाए थे, अब यहां से ये करके करना था तो उसी में बोल दिया, हो गया है। आंसर क्या होगा? डी, उसके बाद क्या होगा? सी बी ए। समझ में आ गया ना? और रीजन लगे कि इसमें हमको कुछ मेंशन करना है ताकि बाद में हम नोटबुक देखे तो खुद से एक्सप्लेन लिख लेना एक्सप्लेनेशन कि ऐसा ऐसा हुआ है, नहीं तो एबीसीडी केवल लिखे तो बाद में फिर वही नजर आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आएगा। क्या तुमको याद कितना रहेगा वो हमको भी पता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है। H प्लस निकालोगे तो क्या बनेगा? ये एच सी डबल ओ माइनस, यही बनेगा ना? इसका क्या बनेगा? सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस, इसका क्या बनेगा? सी एल सी एच टू और सी डबल ओ माइनस, और इसका क्या बनेगा? ओ एच ठीक है, सी एच टू और सी डबल ओ माइनस। ध्यान से करो, अब इसको ध्यान से करो। बताओ जी क्या होगा? इसका आंसर है सी ए बी डी, इसका आंसर है सी ए बी डी, सॉरी सी ए डी बी, डी और ये बी, सी ए डी बी। देखो जरा सा एच प्लस हटाओगे तो ये बन गया ठीक है, और कोई भी जो आपका कोई भी जो तुम्हारा प्लस आई है माइनस आई है वो रेफरेंस ही हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या लेते हैं? रेफरेंस। तो ऐसा समझो ना तो यहाँ पे इसका प्लस आई है और ना ही इसका माइनस आई, न्यूट्रल। समझ में आया? कोई कुछ नहीं करने वाला है। अब तुम्हारे सामने यहाँ आ गया है सी एच थ्री, बताओ सी एच थ्री क्या शो करता है? प्लस आई, और प्लस आई माइनस को क्या करेगा? अनस्टेबलाइज, स्टेबल नहीं करेगा उसको, अनस्टेबल करेगा। ये तो बेचारा न्यूट्रल था लेकिन ये आके क्या कर दिया? अनस्टेबल। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन? ए।
समझ में आया? चलो अब नीचे जैसे ही आओगे तो ये वाला पार्ट बताओ सीएल क्या शो करता है? माइनस आई। सी एच टू सी एल, सी एल क्या शो करेगा तुम्हारा? माइनस आई, देख लो जी माइनस आई। और माइनस आई क्या करेगा? स्टेबल। समझ में आया क्या करेगा? स्टेबल। और एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे देखो सी एच टू ओ एच है, यदि अकेला ओ एच रहेगा तो फिर वो क्या शो कर देता है? माइनस आई है ना उसका, लेकिन सी एच टू ओ एच जो है वो प्लस आई शो करता है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सी एच टू ओ एच जो है वो क्या शो करता है तुम्हारा? प्लस आई दोनों का। और ये भी ध्यान में रखना, ये भी ध्यान में रखना कि तुम्हारा ये वाला जो है तुम्हारा सी एच टू ओ एच है ना, हाँ सी एच टू ओ एच जो है तुम्हारा सी एच टू ओ एच का जो प्लस आई है, ठीक है प्लस आई सी एच टू ओ एच का, देखो ना यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हारा कौन सा हो जा रहा है? सी। सी क्यों? क्योंकि माइनस आई से। समझ में आ रहा है? और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हो रहा है तुम्हारा? बी। समझ में आया? तो सी एच टू का प्लस आई जो होता है, और प्लस आई से तुम्हारा क्या होगा? अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। अरे प्लस आई से क्या होता है तुम्हारा? अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये इसका प्लस आई जो होता है वो कम होता है किससे? सी एच थ्री से। यानी सी एच थ्री का प्लस आई जो होता है वो ज्यादा होता है किससे? सी एच टू ओ एच से, ठीक है। अब बताओ सी एच थ्री का प्लस आई ज्यादा, तो क्या ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा क्या? प्लस आई ज्यादा है तो क्या करेगा? अनस्टेबल। और अनस्टेबल करेगा तो इसका कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। समझ में आया? और स्टेबल रहेगा तो वो एसिडिक क्या रहेगा? सबसे कम। समझ में आया? और ये एसिडिक क्या रहेगा? देखो डी उसके बाद है तुम्हारा, तो ये चीज ध्यान में रखना। उसका जो हम माइनस आई प्लस आई का जो हम तुम्हारा बताए सी एच टू ओ एच जो है वो प्लस आई शो करेगा, और उसका सी एच थ्री से कम होता है, सी एच थ्री का ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देख लो। आ जाओ इधर, अब ये वाला इसका बताओ क्या होगा, ठीक है। एच हटाने के बाद क्या बचेगा? एच हटाने के बाद यहाँ पे निगेटिव बनेगा क्या? देख लो निगेटिव। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? सोचो 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 कौन ज्यादा स्टेबल? देखो इसमें कोई माइनस आई शो कर रहा है क्या? नहीं, कार्बन है केवल, तो प्लस आई ही हो सकता है शो करेगा, ठीक है। अब यहां पे ये क्या शो कर रहा है? माइनस आई। ये भी क्या शो कर रहा है? माइनस आई। और ये भी क्या शो कर रहा है? माइनस आई। और तीनों सब एक ही प्रकार के माइनस आई, लेकिन ये नजदीक है और ये दूर है। और हम क्या बताए थे? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, जितना दूर रहेगा उतना कम इफेक्टिव होगा। तो लिख लेना स्टार देकर के, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट एंड आफ्टर फोर कार्बन इट्स वैल्यू इज जीरो, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड आफ्टर फोर कार्बन इट्स इफेक्ट इज नेग्लिजिबल और जीरो। ठीक है, तो बताओ सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा तुम्हारा? बी। समझ रहे? सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? बी। देन उसके बाद कौन करेगा? सी। देन उसके बाद डी, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ सी एल, ठीक है, ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ सी एल। समझ में आया? और उसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? ए। देख लो ए का सबसे कम होगा, ठीक है, सेम है। एसिडिक स्ट्रेंथ ही निकालना है। सी एच टू सॉरी सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल ओ एच, बी में है तुम्हारा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू और ये सी डबल ओ एच, ठीक है। सी में है तुम्हारा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक, सी एच टू और ये सी डबल ओ एच। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ सोचो किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? क्या होगा? सी बी। समझ में आ रहा है कैसे? इसका निकालोगे तो क्या बचेगा? ये माइनस, यहां पे माइनस और यहां पे माइनस, इतना दूर तो कॉमन है सबका, कॉमन है ना, तो बचा कौन? यही
इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका sp2, इसका sp3, मोर s कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट रहेगा तो क्या करेगा, स्टेबल करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और जितना ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा स्टेबल करेगा, और इसका कंपाउंड अनस्टेबल दैट इज एसिडिक इन नेचर होगा। अंडरस्टूड? तो क्या हो जाएगा, CbA, ठीक है। अब लिखना है एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये भी रखना है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आया। सबसे पहले तुम्हारा होगा PHSO3H, pH का मतलब क्या, वही बेंजीन रिंग और एक डैश, और उस पे क्या लगेगा, SO3H, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन, SO3H क्या है जी, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड में सबसे स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है, बात समझ में आया। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा HCOOH, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, देख लो एकदम इसी तरह याद करना होगा तुमको। उसके बाद PHCOOH, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, यस बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा होगा RCOOH, ये क्या है, R है अल्काइल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड एनी, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हो जाएगा H2CO3, ठीक है, H2CO3, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसके बाद क्या, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। और उसके बाद अगला वाला जो है वो है PHOH, ये क्या है जी, PHOH फेनॉल, ठीक है। और फेनॉल के बाद, मतलब फेनॉल, अरे यार उल्टा लिख दिए क्या, सॉरी, यहां साइन ऐसे देना और यहां साइन ऐसे देना, ठीक है। उसके बाद फेनॉल, फेनॉल के बाद हो जाएगा तुम्हारा वाटर, ठीक है, H2O, और उसके बाद होगा तुम्हारा ROH, दैट इज एल्कोहल। पानी ज्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से, बट एक एक्सेप्शन है, सारे अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंटल है, कैसे, pKa के वैल्यू से, pKa का वैल्यू जो होता है वो वाटर का ज्यादा है और CH3OH का कम है, तो पानी का ज्यादा है इसका मतलब क्या, एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि pKa इज इनवर्सली टू एसिडिक स्ट्रेंथ, समझ में आया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है, तो pKa का वैल्यू वाटर का ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3OH, लेकिन बाकी सारे अल्कोहल से कम है, समझ में आया, बाकी सारे अल्कोहल से कम है एज कंपेयर टू तुम्हारा वाटर, सॉरी पानी का तुम्हारा कम मिलेगा एज कंपेयर टू अल्कोहल, अल्कोहल का तुम्हारा ये हो गया। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, R ट्रिपल बॉन्ड CH, R C ट्रिपल बॉन्ड CH, देन उसके बाद हो जाएगा R, उसके बाद होगा डैश NH3, देन होगा CH डबल बॉन्ड CH, यानी R, ऐसा लिख देते हैं R CH डबल बॉन्ड CH2, और ये लास्ट में हो जाएगा तुम्हारा RH, ये भी ऑर्डर, यानी कि अल्केन है ये, अल्केन अल्कीन NH3 और ये अल्काइन, तो ऑर्डर क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, देन उसके बाद फेनॉल, वाटर, एल्कोहल, ट्रिपल बॉन्ड, NH3 डबल बॉन्ड, और क्या हो गया तुम्हारा RH, ठीक है। देख लो जी जरा सा, डैश NH2 हो जाएगा, डैश लग रहा है तो NH2, और ये बात ध्यान में रखना नोट करके, ठीक है, नोट, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो CH3OH का ज्यादा होता है पानी से, ध्यान में रखना, ठीक है।
चलो जी बताओ CH4 एसिडिक स्ट्रेंथ ही है, ठीक है। ए में है तुम्हारा CH4, बी में है तुम्हारा HF, सी में है तुम्हारा वाटर, और डी में है तुम्हारा सॉरी सी में है NH3 और डी में है तुम्हारा वाटर। बताओ ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, क्या बोल रहेगा, पूरा ऑर्डर बताना है। बी सी डी ए, इसका एच प्लस निकाल के क्या बनाओगे, सी एच थ्री निगेटिव, इसका क्या बनाओगे एफ माइनस, इसका क्या बनाओगे एन एच टू माइनस, इसका क्या बनाओगे ओ एच माइनस। सब सेम पीरियड का है क्या, सेम पीरियड का है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या देखेंगे नेगेटिव चार्ज, यही वाला देखेंगे ना, सेम पीरियड का है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा तुम्हारा एफ माइनस का सबसे ज्यादा, देन उसके बाद ओ एच माइनस का होगा, देन उसके बाद NH2- का, देन उसके बाद CH3- का, क्लियर हुआ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जस्ट सेम हो जाएगा HF ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन CH4, समझ में आया। यहां से भी तुम चाहते तो दिमाग लगाते, HF तो तुम्हारा सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, फिर क्या बचा, पानी NH3 अल्केन, पानी NH3 अल्केन RH, ठीक है। ऑर्डर याद होना चाहिए जी, क्या है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, उसके बाद ये क्या है बेंजोइक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, देन उसके बाद ठीक है कार्बोनिक एसिड, देन इसके बाद फेनॉल, फेनॉल के बाद क्या हो गया पानी, पानी के बाद क्या हो जाएगा अल्कोहल, लेकिन ध्यान में रखना मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर, और अल्कोहल के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ट्रिपल बॉन्ड के बाद डैश NH2 और उसके बाद क्या होगा डबल बॉन्ड और उसके बाद अल्केन, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द CCl बॉन्ड एनर्जी, कंपेयर द CCl बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। पहला जो है वो है तुम्हारा CH3 CH2 Cl, दूसरा जो है वह तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तीसरा जो है ठीक है वो है तुम्हारा CH डबल बॉन्ड C, ठीक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ट्रिपल बॉन्ड C और ये Cl, और D है तुम्हारा PHCl, ध्यान से करना जी। चलो बॉन्ड एनर्जी जो होगा किसी भी बॉन्ड का, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब समझो जरा सा कि किसके किसके बीच का बॉन्ड एनर्जी तुमको निकालना है, इस वाले का, समझ में आया, सी और सी एल के बीच के, कार्बन और सी एल के बीच का तुमको बॉन्ड एनर्जी निकालना है। तो ऐसा समझे क्या कि अच्छा जितना क्लोजनेस रहेगा, जितना बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ये तो क्लियर है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली टू बॉन्ड एनर्जी, क्या पढ़े हो तुम कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली टू क्या होगा तुम्हारा बॉन्ड लेंथ। तो हमको बॉन्ड लेंथ का यदि आइडिया मिल जाए, यदि हमको बॉन्ड लेंथ का आइडिया मिल जाए तो बॉन्ड एनर्जी निकल जाएगा, बात समझ में आया। देखो यदि कोई आर एक्स है, आर और एक्स यही तो है आर एक्स, आर एक्स, एक्स का मतलब क्या फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, यही है ना,
तो इसको ब्रेक होने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ रहा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी बताए हैं इनवर्सली किसके रहेगा, बॉन्ड लेंथ। ये तो क्लियर हुआ। और एक बात है तुम्हारा कि जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ रहेगा उतना ही एक तरह से हम लोग क्या बोले कि उतना ही कम होगा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, उतना ही कम तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी। अब समझो कि ये टूट करके, मान लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी दिए और ये टूटा, तो टूटने के बाद क्या बनेगा, आर प्लस, और साथ ही साथ क्या बनेगा, एक्स माइनस, क्या बनेगा, एक्स माइनस। अब एक्स माइनस तो सबका क्या है कॉमन, क्या बचा, आर प्लस। बात समझ में आया। अब सोचो जरा सा, क्या जितना कम एनर्जी इसको तोड़ने में लगेगा ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल रहेगा। यदि स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, समझ में आया, और यदि अनस्टेबल है तो क्या लगेगा, कम एनर्जी। समझना जरा अच्छे से, यदि ये स्टेबल है तो क्या इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, तभी तो ज्यादा एनर्जी लग रहा है, बॉन्ड लेंथ कम है तो ज्यादा एनर्जी लग रहा है। अब ज्यादा एनर्जी हमको देना पड़ रहा तोड़ने के लिए, मन ये क्या है कि इसका बॉन्ड लेंथ कम है, यानी स्टेबल है। समझ में आ रहा है, क्या बोले हम कि ज्यादा बॉन्ड एनर्जी देने का मतलब है कि ये स्टेबल है, और स्टेबल है इसका मतलब कि क्या है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कि कम है, कम। बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, यानी कि जो एनायन, जो कैटायन यहां पे बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल। यदि स्टेबल है तो टूटने वाला कैटायन क्या होगा, अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल है तो टूटने वाला एनायन क्या बनेगा, टूटने वाला कैटायन स्टेबल बनेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हम, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या, स्टेबिलिटी यानी कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो इनवर्सली होगा, यानी कि जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी हमको देना पड़ेगा उतना ही ये स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही इसका अनस्टेबल क्या होगा, कैटायन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि बॉन्ड एनर्जी जो रहेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन C+ लिख देते हैं, यानी कि जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी देना पड़ रहा है उतना ज्यादा ये स्टेबल, और इधर टूटने वाला कैटायन क्या बनेगा, अनस्टेबल। डायरेक्टली वही इनवर्सली, इनवर्सली बॉन्ड एनर्जी जितना देना होगा उतना ही स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सही बात तो है, बॉन्ड एनर्जी जितना दे रहे हैं मतलब ये ज्यादा स्टेबल है तो टूट के क्या बनेगा, अनस्टेबल, तो उसकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी उसके टाइम की। बोलो समझ में आया, जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, और उतना ज्यादा स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब ये टूटेगा तो जो कैटायन बनेगा वो क्या बनेगा, अनस्टेबल, और जितना कम बॉन्ड एनर्जी देना पड़ रहा है यानी कि ये अनस्टेबल है तो टूटने वाला कैटायन क्या बनेगा, स्टेबल, यानी कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। फाइनली ये तुम्हारा रिजल्ट बाहर आ रहा है। तो अब यहां पे आ जाओ, समझो कार्बोकैटायन अब तुमको बनाना है, तो Cl को निकालने के बाद कैटायन क्या बनेगा, Cl को तोड़ दो, टूटने के बाद ही बात हो रही है ना, तो टूटने के बाद क्या होगा, टूटने के बाद बनेगा ये CH3, CH2 और ये पॉजिटिव, ये क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये पॉजिटिव, ये क्या बनेगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड C और ये क्या बनेगा पॉजिटिव। इज दैट क्लियर। अब इसका फिर हम क्या करेंगे, कोई इसको स्टेबल करने वाला तो नहीं है, क्या निकालेंगे फिर हम लोग इसका, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालो, नहीं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को थोड़ी काउंट करोगे, कितना आ रहा है अरे sp3 कहीं से आएगा, ये दो हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड है यहाँ, तीन, तो तीन के लिए sp2, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी काउंट करते हैं हम लोग, तो क्या आएगा इसका sp2, इसका क्या होगा sp, और इसका क्या होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं, एक ही तो बॉन्ड नजर आ रहा है सिग्मा, यानी कि ये वाला से मत जाओ, पॉजिटिव चार्ज में करके हाइब्रिडाइजेशन मत निकालो, फंस जाओगे। अब आ जाओ वापस यहां, बैक टू पवेलियन, ठीक है, यानी कि तुमको देखना है
कि पॉजिटिव चार्ज तो बना रहे हैं, ठीक है पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा हम लोग बनाएंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसका नहीं निकाल करके आएंगे, इसके कहां से आया है ये, किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कहां से आया है ये, इसके पापा कौन है, कौन है भाई बताओ, यही है ना, आप निकालो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, मोर एस कैरेक्टर कहां है, यहां, अब एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, समझा क्या, ये क्या निकला अनस्टेबल, ये क्या निकला अनस्टेबल, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर फिर क्या निकलेगा, और ये क्या होगा स्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी हो जाएगा CH3 CH2 और ये पॉजिटिव मोर देन CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव इज, और देन सबसे लेस क्या होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C पे पॉजिटिव क्या होगा सबसे लेस, बोलो सही है, सही है ना, तो उस हिसाब से इनवर्सली क्या होता है बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी अब ये वाला कौन सा था, ए वाला था ना, ये बी वाला था और ये सी वाला, तो बॉन्ड एनर्जी जस्ट इनवर्सली, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, देख लो जी है, अच्छा डी बच गया क्या, ओके ओ यहाँ छिपा हुआ था इसलिए ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं इसको भी मेंशन करते हैं, तो देखो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये बेंजीन रिंग है ना, फिर से आ जाओ और सीएल हटाने के बाद यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, और ये कौन सा हाइब्रिडाइज होगा एसपी, लेकिन यहां से तो लेना नहीं है, कहां से लेना है जब सीएल तुम्हारा रहेगा वहां पे, ठीक है, इसका ये वाले का लेना है तो क्या हो जाएगा ये एसपी, बेसिकली ये वाले का तुम्हारा है सॉरी sp2 ना sp2, और चार्ज क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, तो sp2 कौन आया था अपना, ये भी sp2 था, ये भी sp2 था, ठीक है, और दोनों पे क्या बन रहे थे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे इसका क्या शो कर रहा है -i, तो -i क्या करेगा, अरे नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबलाइज, तो ये अनस्टेबल होगा किससे, डबल बॉन्ड वाले से, समझ में आया, यानी कि स्टेबिलिटी के ऑर्डर में डबल बॉन्ड पहले होगा और ये वाला तुम्हारा बाद में होगा, समझ में आया, और उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये पॉजिटिव, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये था D और ये था C, तो ये हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा C, देन उसके बाद D और देन B और क्या हो जाएगा A, देखो ऐसा, चलो जी निकालो एसिडिक क्वेश्चन, निकालो एसिडिक क्वेश्चन, क्या होगा A D C B, कैसे A C D B, बोलो जी और किसी को है, और कोई बोलेगा क्या, कौन बोल रहा है ये A D C B कैसे
कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, हाँ ए, हाँ वाटर का अनुपात सबसे ज्यादा है, हाँ सीओ डी, हाँ। अब ये फेनॉल कहाँ गया, पीएच वाइस म्हणजे काय, फेनॉल ना रे, मग क्या होगा आंसर, ये ऑर्डर वाला है तुम्हारा, ऑर्डर याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्या है तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है तुम्हारा अल्कोहल, और अल्कोहल में भी कौन सा अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, और कहीं मिथाइल रहता तो पलट जाता, मिथाइल अल्कोहल इज मोर स्ट्रिक्ट देन वाटर, समझ में आ रहा है। ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा ए, देन उसके बाद क्या होगा फेनॉल, सी पीएचओ इसका फेनॉल, और देन उसके बाद क्या होगा वाटर, डी, और देन उसके बाद क्या होगा बी, आंसर ये होगा। लेकिन यदि यहां मिथाइल अल्कोहल रखते हैं तो मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर, समझ में आया। ये मार्किंग है वन, ये तुम्हारा टू, ये आया हुआ क्वेश्चन है जी, ये तुम्हारा थ्री, और ये तुम्हारा फोर, और इसका रिएक्शन टू मोल ऑफ NaNH2 के साथ है। आंसर क्या आएगा, बोलो। समझ लो क्या है, ये तो सारे जगह क्या है एसिडिक पार्ट है, सारे एसिडिक पार्ट है ना, यहां से भी एच निकल सकता है, यहां से भी एच, यहां ये देखो दो मोल NaNH2 है, और NaNH2 का मतलब क्या बेस है, पता है ना तुमको, ये बेसिकली किस में टूटा हुआ है, ये बेसिकली ये तुम्हारा Na प्लस, और सब क्या है NH2 माइनस, और NH2 माइनस क्या है तुम्हारा बेस, तो ऐसा समझो कि दो ही बेस है तुम्हारे पास, दो मोल क्या है तुम्हारे पास बेस, ठीक है। और रिएक्शन देखो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, तो बताओ क्या सब जगह रिएक्शन होगा, क्या कितने जगह होंगे, दो जगह, वो दो जगह तुमको खोजने, और बेस क्या करेगा एच प्लस को ले लेगा, समझ में आया ना, ये निगेटिव पार्ट क्या करेगा H प्लस को ले लेगा, और पॉजिटिव पार्ट क्योंकि उसका H प्लस निकलता है तो वहां क्या बनता है निगेटिव, तो ये पॉजिटिव पार्ट वहां चला जाएगा। चलो बताओ फिर कौन से दो जगह, अब देखो चार जगह है तुम्हारे पास, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला कौन सा पार्ट है तुम्हारा फेनॉल का पार्ट है, फेनॉल का पार्ट है ना, और ये कौन सा पार्ट है तुम्हारा एल्कोहल का। तो यदि हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहला वाला, एसिडिक की बात करें तो सबसे पहला वाला तुम्हारा क्या होगा ग्रेटर, देन उसके बाद कौन सा होगा तीसरा वाला होगा, क्या होगा ना, फिर उसके बाद कौन सा होगा चौथा, और फिर कौन सा होगा दूसरा, अंडरस्टूड। तो कहां पे दो जगह रिएक्शन होगा, पहला और तीसरा पे, ये दोनों जगह रिएक्शन होगा, यहां रिएक्शन होगा ही नहीं, समझ में आया। तो आंसर क्या बनेगा, देखो आंसर ये तुम्हारा बनेगा, ठीक है, आंसर ये तुम्हारा बनेगा ये ऐसा, ठीक है, ये सी डबल ओ माइनस, एच तो निकल गया, अब एच कौन ले लिया NH2, और NH2 को एच मिलेगा तो क्या बन जाएगा NH3, और इसका Na प्लस जो था वो घूम रहा था, तो बुलाओ कहां घूम रहा तुम, आ जाओ मेरे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का रहेगा, ठीक है। और दूसरा जगह कहां पे होगा ओपन नेगेटिव, और ये क्या बनेगा Na प्लस, ठीक है, और बाकी सब जगह वैसा ही होगा CH2
CH डबल बॉन्ड CH2 नो चेंज, ठीक है, CH2 OH, और साथ ही साथ क्या बनेगा 2NH3। बोलो समझ में आया ये बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसिड और बेस का रिएक्शन कैसे हुआ समझ में आया, एसिड H+ दे रहा है तो बेस ले लेगा, उसमें H+ जोड़ दो और बेस का जो पॉजिटिव वाला पार्ट रहेगा उसको दे दो किसको, थमा दो एसिड के नेगेटिव के साथ, लेकिन चार्ज लिखना इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है, दैट्स ऑल। टाइम झाला, चलो आज तो थोड़ा सा और पढ़ाना था लेकिन ये तुम्हारा डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, चलो कल, चलो फिर आज के लिए इतना ही, डाउट्स रहे तो आकर के पूछो, ठीक है, और बुक तो लिए हुए ही हो, उसमें चैप्टर होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको बनाना चालू करो, ठीक है। हाँ, ये अल्कोहल है और ये फेनॉल का है, फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, दैट्स व्हाई, ठीक है, और हम भी सीट देंगे, ठीक है, चलो समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, वो तभी तभी तुमको मजा आएगा ना जब तुम ऑर्डर याद रखोगे, नहीं याद रखोगे तो घंटा यहाँ कुछ समझ में नहीं आने वाला, इतना बात ध्यान में रखना, तो कैसे करोगे, कौन एसिडिक, कौन अब एसिडिक ऑर्डर नहीं याद तो यहाँ पे फिर सारा नजर आएगा, और माइनस आई का ऑर्डर नहीं कहाँ से तुम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालोगे, स्टेबिलिटी नहीं कर पाओगे, और वो उतना याद रखोगे फिर खटाखट सब लगेगा, सब बनेगा, ध्यान दो जरूर। Thank you.